एसआर देव पब्लिक स्कूल पुपरी ऑनलाइन ईवीएस क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे यू आर गोइंग टू लर्न चैप्टर टू प्लांट्स अराउंड अस। तो बच्चों अब कीवर्ड्स पे आते हैं। तो कीवर्ड्स आप लोग का है पहला एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मींस क्या होता है? तो इसमें लिखा हुआ है सक और टेक इन। तो अभी मैंने आप लोग को हिंदी में समझाया था मतलब सोखना, सक मतलब करना, सोखना ठीक है। और फिर क्रीप मतलब, तो क्रीप मतलब मैंने आप लोग क्रीपर्स मतलब रेंगने वाले पौधे मैंने बताया, जो है ना रेंग कर स्प्रेड होकर जो जमीन पर जन्म लेते हैं, जो ग्रो करते हैं, उनको हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। तो क्रीप मतलब क्या होगा? ग्रो करना, फिर स्प्रेड करना, फैल कर, है ना, और इन सच अ वे एज टू कवर, और ऐसे तरीके से मतलब जैसे कवर करना जमीन को, ठीक है। तो इसको मतलब कहते हैं क्रीप। पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब होता है, मैंने आपको हिंदी में बता रखा है कि विशेष या फिर खास, ठीक है। अब आते हैं सेवरल। सेवरल मतलब होता है मेनी। मेनी मतलब क्या होता है? बहुत सारे, ठीक है। तो आज हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। तो वर्ड मीनिंग में पहला है आप लोग का प्लांट। प्लांट का मतलब क्या होता है? तो पेड़। नेक्स्ट है आप लोग का स्टेम। स्टेम मतलब होता है तना। लीफ मतलब होता है पत्ता। फ्लावर मतलब होता है फूल। फ्रूट मतलब होता है फल। डिफरेंट मीन्स होता है अलग। अर्लियर मतलब होता है पहले। क्लासिफिकेशन मीन्स होता है वर्गीकरण, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत। ट्रंक मीन्स होता है तना। डीप मीन्स गहरा। ह्यूमन मीन्स इंसान, मनुष्य, ठीक है। लेसन में और भी वर्ड मीनिंग थे जो कि मुझे लगा कि आप लोग को जानना चाहिए। तो और भी है, जैसे बसेस मतलब होता है झाड़ी। फ्यू ईयर्स मतलब कुछ साल। जनरली मतलब होता है सामान्यतः। साइज मतलब आकार। पर्टिकुलर मतलब खास या फिर विशेष भी कह सकते हैं। सीजन मतलब मौसम। प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न। सीड मतलब बीज। स्ट्रेट मतलब सीधा। ओन मीन्स अपना। क्लाइंबर मीन्स लत्तेदार पौधा। अराउंड अस मीन्स चारों ओर। क्रीपर मीन्स रेंगने वाला पौधा, ठीक है। अब्सॉर्ब मीन्स सोखना। तो बच्चों आज था क्वेश्चन आंसर का समय आप लोग का, तो क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स पहले करते हैं हम लोग। तो पहला इसमें है डैश कैरीज ऑल द पार्ट्स ऑफ द शूट इन अ प्लांट्स। क्या कैरीज करता है? तो पहला का आंसर आपका है स्टेम। क्या होगा? स्टेम, STEM, स्टेम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड द। क्या कहलाता है बच्चों? जो स्ट्रॉन्ग होता है स्टेम, है ना, उडी, उसका क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ट्रंक कहते हैं, TRUNK, ट्रंक कहते हैं। कहते हैं ना बच्चों ट्रंक, इसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि डैश हैज अ थीन एंड अ ग्रीन स्टेम। कौन किसके पास थीन और ग्रीन स्टेम होता है बच्चों? तो शर्ब के पास तो होता नहीं है। किसके पास होता है? क्लाइंबर के पास तो होता है, लेकिन वो इसमें लिखा है थीन और ग्रीन स्टेम, ठीक है। इसमें क्लाइम करना नहीं लिखा हुआ, तो हम इसमें आंसर क्या देंगे? हर्ब्स देंगे, ठीक है। तो HERBS, हर्ब्स, ठीक है, HERBS, हर्ब्स इसका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्क मेलन एंड ग्रास आर एग्जाम्पल ऑफ। मस्क मेलन और ग्रास किसका एग्जाम्पल है बच्चों? तो ये मस्क मेलन और ग्रास एग्जाम्पल है आपका क्रीपर का, ठीक है, CREPER, क्रीपर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत आप लोग को तो नहीं हो रहा होगा? चलो तो ठीक है, ये आपका हो गया क्रीपर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाइंबर टाइप प्लांट। क्लाइंबर का एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा है बच्चों। तो क्लाइंबर का एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, वैसे मैं इसमें लिख रही हूँ आप लोग का मनी प्लांट। तो MONEY, मनी, PLANT, मनी प्लांट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन ए हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग बी क्वेश्चन करेंगे।
बी क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में पहला है ट्री, ट्री किससे मैच कर रहा है बच्चों, तो ट्री में इसमें हम लोग डी से मैच करवाएंगे, डी डी से मैच करवाएंगे, तो डी आपका है मैंगो, ठीक है। और शर्ब इसमें कौन है बच्चों, तो शर्ब इसमें है आपका रोज, ई नंबर पे, ओके। और हर्ब कौन सा है, तो हर्ब है आपका टोमेटो, ठीक है। क्लाइंबर कौन सा है, तो क्लाइंबर है इसमें आपका सी नंबर जो कि है पी, ठीक है। और लास्ट है आप लोग का क्रीपर, और क्रीपर इसमें है जो बच गया आप लोग का ए, ठीक है। तो ये आप लोग का बी भी पूरा हो गया, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री को करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें कि करेक्ट ऑप्शन को टिक लगाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट्स दैट गिव शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, बच्चों मैंने जब पढ़ाया था तो आप लोगों को समझाया था कि जो छाया देता है वो कौन सा प्लांट हो सकता है, तो बच्चों शर्ब तो होगा नहीं क्योंकि वो छोटा होता है, जाड़ीदार होता है लेकिन छोटा होता है, हर्ब भी नहीं होगा क्योंकि वो छोटा होता है, और क्रीपर भी नहीं होगा क्योंकि वो लतेदार रहने वाले को हम लोग, जो जमीन पे होता है उसको हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा आप लोग का, तो आंसर आपका बी ऑप्शन है जो कि है ट्री, ओके। नेक्स्ट इसमें आते हैं, द पार्ट ऑफ अ प्लांट्स दैट स्टोर्स सीड इज नॉन एज, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें कि सीड रहता है बच्चों, तो लीफ में नहीं रहता है, स्टेम में भी नहीं रहता है, रूट में भी नहीं रहता है, तो आंसर क्या होगा आप लोग का, तो आंसर है आप लोग का फ्रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लांट्स डेट लुक लाइक बसेस विथ मेनी ब्रांचेस आर नॉन एज, जिसमें बहुत सारी झाड़ियां होती है ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, तो क्लाइंबर्स तो आप लोग ने पढ़ा है उसको नहीं कहते हैं, हर्ब्स भी नहीं कहते हैं, ट्रीज भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, तो शर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, तो आज का आप लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट जो आप लोग का डी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज तक के लिए इतना ही। चलो अब इसका होमवर्क आप लोग बनाओगे अपनी कॉपी में सभी सही से अच्छे से, चलो अब ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।